प्रीवियस ईयर पेपर है, क्वेश्चन है डी ब्रॉगलीज की वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल। डी ब्रॉगली की वेवलेंथ वो कह रहा है इक्वल है, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू व्हाट। तो आपको रेशियो ऑफ वेलोसिटीज निकालनी है। अब लैम्डा प्रोटोन का ये रहा एच अपॉन पी और लैम्डा अल्फा पार्टिकल का एच अपॉन पी, तो पी आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी, लैम्डा दोनों का बराबर है, इक्वेट कर लें, इक्वेट करके वेलोसिटी की रेशियो आ जाएगी। वेलोसिटी की रेशियो में आपको अल्फा पार्टिकल का मास गिवन है फोर, पता ही होता है फोर टाइम होता है प्रोटोन के, तो रेशियो 4:1। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल वैसे ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा बी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, तो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ किससे एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रॉन से। ऑर्बिटिंग इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन इज इक्वल टू 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिलेटेड टू दैट इन ग्राउंड स्टेट लैम्डा जी। तो एक बार इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 1 पे ग्राउंड स्टेट पे है और एक बार एन इज इक्वल टू 3 स्टेट पे है, तो लैम्डा की वैल्यूज गिवन है, आपको कंपेयर करके इसकी रेशियो निकालनी है फिर से। तो लैम्डा होता क्या है, एच बाई पी, और पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसमें लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, तो एक बार डी ब्रॉगली की वेवलेंथ एन इज इक्वल टू 3 पे और ग्राउंड स्टेट पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास तो इलेक्ट्रॉन का सेम ही है, तो यहां से लैम्डा की रेशियो वेलोसिटी की रेशियो के इक्वल आ गई। जो वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होती है, हमने किया था वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो यहां से वी बी बाय वी जी एन जी बाय एन बी, इसकी जगह आ जाएगा एन बी बाय एन जी। तो नंबर ऑफ जो एन, जो एन की वैल्यू एक में 3 गिवन है, एक में ग्राउंड स्टेट में 1 गिवन है, यहां से किसकी रेशियो आ जाएगी, लैम्डा की रेशियो आ जाएगी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस